लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे 70+ उम्र वाले लोगों को मोदी सरकार का तोहफा, 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। चाहे कोई भी 70 साल का हो, उसके ऊपर हो, सभी को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज मोदी सरकार देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोदी सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया है। स्कीम के तहत बुजुर्गों का इलाज 5 लाख तक मुफ्त में किया जाएगा। इस हेल्थ कवरेज प्लान को मंजूरी दे दी गई है। स्कीम के तहत बुजुर्गों को 5 लाख तक सालाना कवरेज दिया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए एक ये बेहतरीन तोहफा है। 6 करोड़ बुजुर्गों को मिल सकेगा फायदा। इस योजना का लाभ 6 करोड़ बुजुर्गों को मिल सकेगा। मरीज हर साल अपना 5 लाख तक इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए बुजुर्ग को अपना अस्पताल में इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना इंश्योरेंस कार्ड दिखाना होगा। 4.5 करोड़ परिवार तक इस योजना का लाभ मिल पाएगा। कौन ले सकता है इसका लाभ? ये इस सवाल कई बुजुर्गों के मन में होगा कि उन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। सरकार के बयान के मुताबिक, अगर आप 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं और आपने किसी प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आते हैं, तो ऐसे लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वे इस स्कीम के पात्र माने जाएंगे। वहीं अगर आप पूर्व सरकारी नौकरी या किसी सेना से रिटायर्ड हैं, तो ऐसे में आपको अपना वर्तमान इंश्योरेंस या आयुष्मान योजना के तहत किसी एक को चुनना होगा। तो ये था हमारा आज का विशेष वीडियो आपके लिए। आपको कैसा लगा, कमेंट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको आपका प्रश्न का जवाब देने का। धन्यवाद।